शनिवार को सीबीआई की टीम अनिल देशमुख यहाँ मौजूद थी और साथ में सीबीआई के पास अनिल देशमुख की बेटी सनिल देशमुख और बहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी है। पर इन सब में क्लाइमैक्स की बात यह है कि अनिल देशमुख और उनका परिवार अज्ञातवास में चले गए हैं। जी हाँ, सीबीआई नागपुर में अनिल देशमुख के घर में है, पर अनिल देशमुख और उनके परिवार का अता पता नहीं है। दूसरी खबर ये भी है कि सीबीआई के इस कार्रवाई के खिलाफ राकपा आंदोलन भी कर रही है। यह राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का घर है, घर में सीबीआई है, साथ में सीबीआई के पास अनिल देशमुख की बेटी सनिल देशमुख और बहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी है। पर क्लाइमैक्स की बात तो यह है कि घर में सीबीआई है, पर अनिल देशमुख और उनके परिवार का अता पता नहीं। माने अनिल देशमुख और उनका परिवार सीबीआई को देख अज्ञातवास में चले गए हो। साथ में सीबीआई के इस कार्रवाई के विरुद्ध राष्ट्रवादी कांग्रेस अनिल देशमुख के घर के सामने आंदोलन भी कर रही है। आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए वसूली घोटाले के मामले में सीबीआई लगातार अनिल देशमुख के घर छापे मार रही है। तब से अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और आज नागपुर स्थित अनिल देशमुख के घर में सीबीआई की टीम मौजूद है, जिसमें 6 अधिकारी और एक महिला अधिकारी भी है। अब सीबीआई अरेस्ट वारंट के संदर्भ में क्या निर्णय लेती है, ये देखना महत्वपूर्ण है। राज्यभर त्या ठिकाणी ईडी सीबीआई आणखी दुसऱ्या ज्या संस्था आहेत त्या इन्कम टॅक्स सगळ्या संस्था वापरून महाविकास आघाडी सरकारला खिळखिळ करणे, महाविकास आघाडी सरकार त्या ठिकाणी म्हणजे बरखास्त करण्याचा विचार दिसते किंवा कुठे ना कुठे एखादा लचका तोडून आपल्यामध्ये जोडून सरकार स्थापन करण्याचा हा भारतीय जनता पार्टीचा प्रयत्न आहे। त्याच्याशिवाय काही नाही, काही निष्पन्न होणार नाही। केंद्र शासन हे नेहमीच आज आपण इतक्या दिवसापासून पाहत आलेलो आहे की कुठला ना कुठल्या पद्धतीने महाविकास आघाडीला बदनाम करण्याचं यांनी ध्येय धोरण ठेवलेलं आहे। आज अनिल बाबूच्या निमित्ताने ठेवलेलं आहे। आज महाविकास आघाडीचा पूर्ण महाराष्ट्र बंद आहे। एकीकडे महाराष्ट्र बंद केला, दुसरीकडे अनिल बाबूला बदनाम करण्याची जी प्रक्रिया सुरू आहे, एकाच ठिकाणी 10-10 वेळा यांनी हा ज्या शासकीय यंत्रणा जो मिसयूज करत आहे हे केंद्र शासनाच्या विरोधामध्ये आज आम्ही ज्या पद्धतीने अनिल बाबूंवर हे जो अन्याय अत्याचार करून इथे बदनाम करण्याचा कट जो शासनाने केंद्र शासनाने रचलेला आहे त्याच्या विरोधात आज आम्ही कुठल्याही पद्धतीचं जे आज यांनी पकड वॉरंट घेऊन आलेले आहे, एवढे सगळे अधिकारी घेऊन आलेले आहेत, आम्ही यांच्या विरोधात आज इथे आम्ही सर्वात पहिले आम्हाला अटक करा, आम्ही अशी तोपर्यंत आम्ही उभे राहणार आहोत। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।